काले तेल का काला खेल। देश में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रूस ने भारत को कच्चा तेल सस्ता देने का ऑफर दिया है। इंडियन ऑयल रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन रिलायंस अपने जामनगर रिफाइनरी के लिए खरीद सकता है। खेल समझे? आपदा में मित्रों के लिए सरकारी कंपनी को डुबाने का अवसर। अगर आपको लगता है कि मोदी अमेरिका से डर कर रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो आप बहुत भोले हैं। क्रिमिनल माइंड बहुत दूर की गोटी खेलता है। आने वाले एक साल तक अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल रहेगी। सरकारी तेल कंपनियों को $110 बैरल के दर पर कच्चे तेल की खरीद होगी। रिलायंस चूंकि निजी कंपनी है इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उनको $55 प्रति बैरल के दर से मिलेगा। नतीजा ये होगा कि एक साल के अंदर रिलायंस को बहुत मुनाफा होगा। सरकारी कंपनियां घाटे में जाएंगी, जनता मरेगी और रंगा खुश होगा। साधारण लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं वहीं से क्रिमिनल सोचना शुरू करते हैं।